शिवपुरी मुख्यालय पर डीएफओ कार्यालय के बाहर आज बदरवास जनपद में धर्मपुरा गांव में रहने वाले मोंगिया समाज के लोग आज धरने पर बैठ गए। मोंगिया समाज के लोगों का कहना है कि वन विभाग उन्हें वन भूमि पर हैंडपंप का उत्खनन नहीं करने दे रही है, जबकि कई वर्षों से वह उस जमीन पर रह रहे हैं। सरकार ने उनके लिए आवास भी बना कर दिया है, लेकिन वन विभाग उन्हें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करने दे रहा। ऐसी स्थिति में उन्हें गांव में हैंडपंप से पानी भर कर लाना पड़ता है। मोंगिया समाज के लोगों की मांग है कि जब तक वन विभाग उन्हें हैंडपंप लगवाने की परमिशन नहीं देता, तब तक वह डीएफओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहेंगे। इधर कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने मोंगिया समाज की मांग का समर्थन करते हुए वन विभाग पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हम लोग के घर तोड़वाने कोई आना यहाँ का बोल रहा है, घर तोड़वा देंगे, बुलडोजर चला देंगे, अब हम लोग परदेशी लोग कहाँ पर जाएंगे? कौन कह रहा है बुलडोजर चलवा देंगे? कौन कह रहा है डीएफओ कह रहा है सरकार रहने के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं की जाएगी। तीन दिन के अंदर अंदर खाली कर दो। रेन विभाग का वो जो पूरा जमीन पड़ता है, लेकिन वो कौन बोलेगा? अपने अपने यहाँ के आके देखो सर, वहाँ पे तहसील के आधार से हम लोग को बताया गया। हम लोग रह रहे हैं, हम लोग के बाल बच्चे छोटे छोटे भूखे प्यासे मर रहे हैं। उसके भी हम लोग खेती नहीं है, किसानी नहीं है, सब आदिवासी जंगल रेंज सब काट काट के खेती बना रहे हैं। हम लोग ने सिर्फ झोपड़ा डाला है, हम लोग को नौकरी नहीं है, हम लोग के बाल बच्चन की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है हम लोग के पास। और 1962 से हम रह रहे हैं, जब भी वोट डालते हैं कमाने खाने निकल जाते हैं, वो जहाँ से भी आके हम लोग वोट देते हैं। 1962 से हम लोग रुक रहे हैं, 1962 से हमारे लिए कुछ भी नहीं साधन ने किया। अब हम लोग को क्या साधन होना, हमको बोरिंग लगनी चाहिए। तीन बार बोरिंग आई, डीएफओ ने कटवा दी तीन बार। फिर हम लोग को अभी हमको होना बोरिंग और 5-5 बीघा हम लोग को खेती होना। हम लोग के बाल बच्चन को भी नाच गल्ला जोत के हम भी खिलाएंगे, हम भी पालेंगे। और एक स्कूल भी बननी चाहिए। 100 टपरे हैं हम लोग के, और हर टपरे की पट्टा भी चाहिए हम लोग के लिए। हमारा नाम मन्नो भाई है। आप यहाँ पर धरने पर बैठे क्यों बैठे हो? हम लोग ये बैठे हैं कि हम लोग उनको देखो पानी का धमकी दिया है, पुलिस लाके कह रहे हैं कि 3 दिन में तुम्हारे मकान है वो तोड़ देंगे, इसमें बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारी झुप्पड़ पट्टी में तोड़ फाड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद में हम लोग उनको को पानी का साधन नहीं, हम लोग उनके बच्चे 2-2 3-3 दिन नहाते नहीं हैं, 2-2 3-3 दिन कपड़ा नहीं धोते हैं, बिना पानी के बैठे। हाँ, मंजूर जब उनने बोला मंजूरी हुई, इनने मना कर दिया कि नहीं तुम्हारे इनके यहाँ नहीं लगेगा, ये मेरा रेंज की जगह नहीं लगेगा वहाँ पर। अब सब लोग कह रहे हैं, नेता लोग, का नहीं लगेगा वहाँ पर, जब इतने आदमी बहुत बसे हैं वहाँ, आदमी बचे हैं तो उनके लाने पानी का साधन चाहिए, पर वो है तो वो मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं लगने दूंगा, और धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा घर मकान में सब में मैं बुलडोजर चला दूंगा, तुम्हारे जो टपरे हैं उनमें आग लगा देंगे हम। अब हम घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हैं क्या? हाँ, क्या? उसी में हम लोगों के पैसे आए थे 1.25 लाख। वहाँ पर उनने ये बोला था कि देखो जहाँ जहाँ जो बस रहा है उनको वहाँ वहाँ बसे रहने देना, कहीं उनको हटाना नहीं, कहीं उनसे दंगा फसाद नहीं करना, उनके पट्टा भी मिलेंगे, उनको वहाँ पानी का भी साधन नहीं मिलेगा। तो ऐसे कह के उनने हमको बसाए हैं। अब उसी की कहन में हम लोग, मोदी की कहन में हम लोग वहाँ बसे। अब हम लोग तो बहुत देर बैठे रहेंगे कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक बैठे रहेंगे। और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई फिर क्या करोगे? कार्रवाई नहीं होगी तो हम ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो हम शिवराज जी के यहाँ जाएंगे, या मोदी के यहाँ भेजेंगे, या शिवराज जी के यहाँ भेजेंगे। वहाँ से तो हम लोग उनके कार्य भोपाल से भी हो जाएगी, हम लोग दिल्ली भी चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाएंगे। बहुत जने हमारे सब मिलकर हम लोग जाएंगे। जी सर, लक्ष्मण नाम है मेरा। कौन से गांव से? गांव धर्मपुरा से हम लोग आए हैं सब। किस लिए आए हो यहाँ पर? सब हम लोग आए हैं पानी की व्यवस्था के लिए। सब क्या कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने डीएफओ को साहब को हमने 2 बार संदेशा दिया,
तो क्या साहब हमारे यहाँ पानी नहीं है, बोर लगने की अनुमति दी जाए, लेकिन DOPO साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ आपके यहाँ नहीं दी जाएगी। बोले आपके यहाँ नहीं होगा, वहाँ पे आपको जो है तो पास में हेडपम्प लगा है, तो साहब वहाँ पास में लगा है, दूसरे समाज के लिए लगा है, शहरी आदिवासी के यहाँ लगा है, लेकिन हमारे समाज आदिवासी मोगिया के लिए हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं गया है। बाकी हम लोग को क्या है कि प्रधान योजना के तरफ से यानी कि हमको आवास भी मिल चुका है साहब वहाँ पे बना हुआ हम लोग के, तो उनको ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो है तो रेंज में आ रहा है। DOPO साहब का कहना है कि आपके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी। साहब वो कह रहे हैं कि आपको वहाँ से जो है तो जानकारी लेने के बाद आपके वहाँ से मकान भी तोड़ाए जाएंगे, उनका कहना है। आपको धमकी जी साहब हम लोग को धमकी दिया गया है, उनको फ़ोन पे दिया है कि साहब आप वहाँ जो है तो रेंज की ज़मीन में आपने जंगल तोड़ के वहाँ बनाया है, लेकिन साहब मारा भी है क्या? जी जी मारा नहीं है सर, सर मारा नहीं है। 2017 में साहब हम लोग को एक बार बोर दी गई थी, उस टाइम पे भी इन लोगों ने ऐसे ही किया है, फॉरेस्ट वालों ने बोर आई थी लगने के लिए, हमारे पे उल्टा सीधा करके इनने केस ठोक दिया, और केस ठोकने के बाद एक बार सर हमको जेल भी इनने उल्टा सीधा करके भेज दिया, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है कि क्या होता है साहब। आज कहाँ पर आए हो आप? आज हम लोग DOPO के यहाँ आए साहब पानी की मांग करने के लिए। हाँ सर वो मिले नहीं है, वो कहीं चले गए हैं, लेकिन हम इसी के लिए आप यहाँ पे ऑफिस के बाहर बैठे हो जी, तो कब तक बैठे रहोगे? जी सर वो जब तक नहीं आएंगे जब तक हम लोग धरना देंगे यहाँ पे बैठ कर साहब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मन्नू भाई है। अच्छा आज DOPO ऑफिस पे आप धरने पे? हम लोग उनको ये संबंध में बैठे हैं कि हम लोगों को बोर नहीं लगाया, पानी नहीं दिया, हम लोगों को है वहाँ बुलडोजर लगाने को बोल रहे हैं, हम लोगों को जलाने को बोल रहे हैं, बच्चे लोग दो दो तीन तीन दिन नहाते नहीं हैं हम लोगों के बिना पानी के, बच्चों लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, दो दो तीन तीन दिन नहीं बना पा रहे हैं पानी के वजह से, हम लोग जैसे कि हम लोगों को पट्टा वट्टा बनाया वो नहीं बोल रहे हैं। अब मोदी ने बोल दिया कि तुम लोग वहाँ पर बस जाओ, तो हम लोग मोदी की कहन से बस गए, राशि की कहन से बस गए। अब हम लोगों को घर मकान की जो था वो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोगों के टपरे उपरे सब तोड़ने को बोल रहा है। हम उसी की मुसीबत से हम लोग आके यहाँ पर आए हैं कि देखो भैया वो मुसीबत हम लोग सबको बताएंगे, अब वो मुसीबत का देखो हल क्या मिलता है हम लोगों को। ये DOPO ये बोल रहा है कि अपने हमारे जंगल को तुमने तोड़ तोड़ के घर बनाए हैं, वहाँ पर जंगल में एक पेड़ नहीं है, वहाँ खाली मैदान है, अब मैदान में हम लोग इनके झोपड़ा बनाए हैं, और वो बोल रहे हैं कि नहीं तुमने जंगल काटा है, जंगल काट के तुमने लगाया, तो वहाँ से लेके गांव के लगे हैं हम लोग, गाँव के पास में हैं, अब वो गाँव और हमारा गाँव एक ही है, तो वहाँ से अब वहाँ से वो गांव नहीं हट रहा है, खाली हम लोग उनको हटाने को पता नहीं है कि किसकी कहन से ये DOPO हमको हटा रहा है। अब आप आगे क्या चाहते हो आप? अब आगे हम लोग ये चाहते हैं कि हमको पानी की साधन चाहिए, हमको पट्टा चाहिए, हम लोगों को वहाँ रहने का घर मकान चाहिए। अब शिवराज सिंह ने हमको 5 मकान हमारे बनवा दिए हैं, कुछ मकान अभी हमारे बाकी है, और वहाँ से ये हटा रहे हैं तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं, हम लोग उसी की यहाँ कहने को आए हैं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप तो सुनवाई जब हमारी नहीं होगी तो हम शिवराज सिंह के यहाँ भेजेंगे, और शिवराज सिंह के यहीं वहाँ भी जाएगी और भोपाल भी जाएगी और दिल्ली भी जाएगी, हम लोग सब जगह भेजेंगे, जैसे कि हम लोग हटने वाले नहीं है, बुढ़े आदमी है, कोई मारेगा तो मार देगा, नहीं मारेगा तो हम लोग जिंदे बैठे हैं, वहाँ पर से हम लोग हटने वाले नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी कहना चाहता हूं और आप सबके जानकारी में भी लाना चाहता हूं। पड़ोरा से धर्मपुरा खोड रोड जो है उस पर हाईवे से करीब 2-3 किलोमीटर अंदर 100 से लेकर के लगभग 150 घर बने हुए हैं, जो बंजारा या अन्य समाज के लोग हैं, कई वर्षों से बसे हुए हैं, मैं समझता हूं लगभग 15 वर्षों से। वहाँ पानी की आवश्यकता को देखते हुए हमने एक PHE से बोर स्वीकृत कराया है, लगातार एक महीने से DOPO माननीय कलेक्टर के संज्ञान में ये बात है कि जब सैकड़ों घर बस गए हैं तब अमला फॉरेस्ट का उनको रोकने में सफल नहीं हुआ या रोकना उचित नहीं समझा,
अब मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि जहाँ 100 घर 15 साल पहले से बचे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट की भूमि हो, राजस्व की भूमि हो, हमारी सरकार चाहती है कि 2005 के पहले से जो बसे हुए थे उन फॉरेस्ट की भूमियों पर मालिक बना करके पट्टा देने की नीति माननीय शिवराज जी की सरकार, भाजपा की सरकार लागू कर रही है। और 15 साल पुरानी बस्ती बसी है, उसमें क्या हम एक हैंडपम्प खनन करा के उनकी प्यास नहीं बुझा सकते? मैंने लगातार कलेक्टर महोदय के संज्ञान में DFO से स्वयं कई बार चर्चा करके उनसे आग्रह किया कि भाई जब 15 साल से बस्ती बसी है, जब आप कहाँ सो रहे थे, जब आपका हमला कहाँ सो रहा था? आपका हमला अतिक्रमणकारियों के मेलजोल से मिलकर के अतिक्रमण कराता है। मैं लगातार फॉरेस्ट के अतिक्रमणों को अपने विधानसभा में 5 साल से रोक रहा हूँ। कई ऐसे प्रकरण हैं जिनमें मैंने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ़ FIR भी दर्ज कराई हैं। अभी इचोनिया गांव में 2 महीने पहले 100 लोगों का पुलिस बल भेजकर पिछोर से आए हुए अन्य समाज के, बंजारा समाज, कुचबुंदिया समाज, पारदी समाज के लोगों को तत्काल जब वो बस रहे थे तो मैंने स्वयं शिकायत करके इसी DFO महोदय से और फॉरेस्ट के अमले से कहा, तब उनको वहाँ से हटाया गया 1-2 महीने पहले। तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ फॉरेस्ट विभाग को कि अतिक्रमण कहीं होता है, हम अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं, आप तत्काल कार्रवाई करें, हम आपकी मदद करने तैयार हैं, सरकार आपकी मदद करने तैयार है। लेकिन 10-20 सालों से जो बस्ती बसी हुई हैं, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार पट्टे देने की भी कार्रवाई कर रही है, उसमें आप पेयजल के हैंडपम्प को रोक कर कौन सी बहादुरी दिखाना चाहते हैं? DFO मिस्टर यादव, मैं ये कहना चाहता हूँ और उनसे आग्रह भी करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि तानाशाही बंद करें, पूरा देश सिर्फ सिर्फ कानून से नहीं, कुछ व्यावहारिकता शामिल करके भी चल रहा है। आदिवासियों को ये भी कहना है कि उनकी झोपड़ी तोड़ने की बात की गई DFO के साथ झोपड़ी तोड़ने की, तो मुझे नहीं लगता किसी गरीब की वो हिम्मत कर पाएंगे। अगर ऐसा उनकी मनसा और मानसिकता है तो वो अपनी कार्रवाई करें, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के सुखाधिकार मूलभूत आवश्यकताओं के लिए निश्चित रूप से पक्षधर रहेंगे और हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।